हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन विद सुमित। आज की रेसिपी है रिकवच। इसे रिकवच, गिरवच, पात्रा, अरबी के पकोड़े और भी कई नामों से जानते हैं। और ये अरबी के पत्तों से बनाई जाती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आइए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले अरबी के पत्तों को अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें और उनको अच्छे से सुखा लें। यहाँ पर मैंने 6 अरबी के पत्ते लिए हैं, 2 कप बेसन लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अब सबसे पहले हम अरबी का पत्ता लेंगे और इसकी डंठलों को अलग कर लेंगे और जो इसकी हार्ड नसें हैं उनको भी काट के अलग कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पत्तों की डंठल काट के अलग कर लेंगे और जो उसकी हार्ड नसें हैं वो भी काट के अलग कर देंगे। अब हम एक बाउल में बेसन लेंगे, उसमें हल्दी ऐड करेंगे, साथ ही हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक अरबी का पत्ता लेंगे और उस पर बैटर लगा लेंगे अच्छे से। आप चाहो तो बैटर स्पून की हेल्प से लगा सकते हो या फिर हाथों से लगा लो। देखिए पत्ते पे हमारा बैटर अच्छी तरह लग चुका है। अब इसके ऊपर एक पत्ता और लगाएं और इस प्रोसेस को रिपीट करें। अब इसके ऊपर एक पत्ता और लगाएं और इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करें। मैंने यहाँ पर 3 पत्तों का यूज़ किया है एक रोल बनाने के लिए और बाकी के 3 पत्तों से हम दूसरा रोल बनाएंगे। अब हम इसको पहले ऊपर से लॉक करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और ऊपर बैटर लगाएंगे। इसी तरह हम दोनों साइडों से लॉक करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, इधर से भी इसको फोल्ड करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और अब हम दोनों तरफ बैटर लगाएंगे ताकि रोल बनाते टाइम अच्छे से लॉक हो जाए और हमारा बैटर बाहर ना निकले। अब हम इसको बीच से दबाते हुए एक टाइट रोल कर लेंगे। थोड़ा सा बैटर हम लास्ट में लगाएंगे और इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे। इसको किसी धागे की सहायता से इस तरह से अच्छे से बांध लेंगे। देखिए हमारा एक रोल बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा रोल भी बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में पानी लेंगे, पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब इसके ऊपर हम जाली वाली कुछ प्लेट रखेंगे और इसमें दोनों रोल रख देंगे। और अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारे दोनों रोल अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में बाहर निकाल लें और इसके धागों को अलग कर लें। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब बड़ा, छोटा, अपनी चॉइस के हिसाब से कट कर लेंगे। देखिए हमारे रिकवच कटकर तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे
हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके रिक्वेस्ट डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे रिक्वेस्ट एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमारे रिक्वेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, देखिए हमारे रिक्वेस्ट का बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे रिक्वेस्ट अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे रिक्वेस्ट बनकर तैयार हैं। आप चाहो तो रिक्वेस्ट चटनी के साथ सर्व करो या टमाटो केचप के साथ, और ये गरम गरम सर्व होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।